Hello friends, this is Rahul. Welcome back to Kids Trailers SolidWorks Tutorial Series. So friends, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस मॉडल की, ठीक है? So इस मॉडल की जो ड्राइंग्स हमारे पास वो इस तरह से दे रखी है. ये हमारे पास टॉप व्यू है, ये हमारे पास साइड व्यू है और ये हमारे पास फ्रंट व्यू है. तो टॉप व्यू और साइड व्यू में सारी डायमेंशन दे रखी है. सो यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे. ये हमारे पास एक स्लॉट दे रखा है जिसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 56 दे रखा है और बाहर का जो रेडियस है वो कितना दे रखा है 18 और अंदर का जो होल है वो कितना दे रखा है डाया 16 मींस रेडियस 8 हो जाएगा, ठीक है? तो ये बनाने के बाद ये वाली एक प्लेट बना लेंगे जिसका डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, इसकी हाइट हमें 10 दे रखी है, विड्थ हमें 40 दे रखी है. तो ये भी हम बना सकते हैं, साथ ही हम ये भी बना सकते हैं. सो ये इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह से बनाना है. सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट रेगुलरली मिलता रहे. तो यहां से प्लेन ले लेंगे और सबसे पहले आपको पता है सॉलिडवर्क्स में एक बेनिफिट है आपके पास कि ये स्लॉट ऑलरेडी आपके पास दे रखा है. तो डिस्टेंस यहाँ पे चेक कर लेंगे, हमारे पास ये डिस्टेंस कितना दे रखा है 56 का दे रखा है और ये रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है 18 का दे रखा है और अंदर दो सर्कल भी है हमारे पास. ठीक है, एक का जो डाया है वो कितना है 16 है और दोनों को इक्वल कर लेंगे हम कंट्रोल प्रेस करके. ओके, देन इसके बाद हमारे पास रेक्टेंगल आ जाएगा, वो भी हम साइड से बनाएंगे और हमारे पास एक सेंटर लाइन आएगी जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको सिमेट्रिक करेंगे. सो सिमेट्रिक मींस दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा. सो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ रहा है 40 आ रहा है, डिफॉल्ट हमारा उसने पिक कर लिया है. नाउ यहाँ का डिस्टेंस कितना है हमारे पास 10 mm. ओके, और उसके बाद हमारे पास क्या डायमेंशंस आ रही हैं, ये दो सर्कल आ रहे हैं 20 और 30 के जिनका डिस्टेंस यहाँ से 32 दे रखा है. सो दो सर्कल ले लेंगे यहाँ से हम. एक का डाया है 30 और एक का डाया है आपके पास 20, क्लियर है? और दोनों का डिस्टेंस हमारे पास यहां से दे रखा है कितना 32. और उसके बाद हम यहां से ये लाइंस ज्वाइन कर लेंगे. और मेक श्योर कि ये टेंजेंट हो, यहां से भी एक लाइन ज्वाइन कर लेंगे. सो कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड इनमें रिलेशन ऐड कर देंगे टेंजेंट का. यहां से भी सेम, और ये आपके पास जो है स्केच कंप्लीट हो चुका है टॉप व्यू से. आपने ये चीज नहीं बनानी है अभी, ये चीज हमारे पास साइड से बनेगी रिब, ठीक है? ये देखो, तो टॉप लाइन से ये चीज नहीं बनेगी, इस चीज का ध्यान रखना. आपने क्लोज कर देंगे और वन बाय वन इसको एक्सट्रूड करेंगे. सबसे पहले हमारे पास क्या बॉडी आ रही है, देखिए ये वाली प्लेट आ रही है कितनी 8 mm आ रही है. सो इसको हम एक्सट्रूड करेंगे 8 mm. नाउ अगेन स्केच यूज करेंगे और एक्सट्रूड करेंगे. ये जो आपके पास प्लेट आ रही है इसको हम कितना mm एक्सट्रूड करेंगे 32 mm. ये देखो जैसे ये प्लेट दिखा रखी है. सो स्प्लिट करेंगे, एक्सट्रूड. हमारे पास प्लेट कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है. 32 प्लस 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो. मेरे को 32 mm कहाँ से एक्सट्रूड करना है, देखिए यहाँ से एक्सट्रूड करना है. तो 8 mm ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे पास. सो 8 प्लस 32 आप इसमें ऐड कर सकते हो. सो ये आप चाहो तो इस एज को चेक भी कर सकते हो, हमारे पास लेंथ कितनी आ रही है 32 आ रही है यहाँ से, ठीक है? सो अगेन स्केच एक्सट्रूड. अब हमारे पास ये वाला एरिया आएगा तो इस एरिया को कितना कितना एक्सट्रूड करना है
देखिए ये वाली प्लेट आ रही है 10 mm, और ये वाला जो सर्कल आ रहा है 10 mm, साथ में 10 mm ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली प्लेट और ये वाला सर्कल, इसको हम एक्सट्रूड करेंगे कहाँ से, ऑफसेट लेके। ऑफसेट कितना देंगे हम, 40 mm का, बिकॉज एक्सट्रूड जो है वो यहां से हो रहा है। ये देखिए यहां से एक्सट्रूड हो रहा है ना, सो उसको मैंने 40 mm ऑफसेट कर दिया, बिकॉज टोटल डायमेंशन कितनी आ रही है, 40 आ रही है। सो स्केच 40 mm ऑफसेट हो चुके हैं, और उसको मैं डायरेक्शन दे दूंगा यहां से, और उसको मैं 10 mm एक्सट्रूड कर दूंगा। सो अगर आपके पास स्केचेस एक ही प्लेन पे बने हुए हैं, और अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स पे स्केच चाहिए, तो आप ऑफसेट का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? सो अगेन स्केच यूज करेंगे और अगेन एक्सट्रूड करेंगे। अब की बार हमारे पास ये वाला एरिया एक्सट्रूड हो रहा है, ये जो दो सर्कल आ रहे हैं इन्हीं को एक्सट्रूड करना है मुझे। सो ये कंटिन्यू आ जाएगा। अगेन ऑफसेट यूज करेंगे 40 mm का, और इसकी डायरेक्शन हम अप 30 रखेंगे, और इसको हम ओके कर देंगे। सो आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इतना इतना कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास रिब आ रही है। सो रिब को किस तरह से बनाएंगे, देखिए मैंने बिल्कुल सेंटर से बनाया, तो इसके प्लेन्स जो है वो आप चेक कर सकते हो, जो एग्जिस्टिंग प्लेन आ रहे हैं वो सेंटर पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप ओरिजिन और मिड प्लेन से लेकर बनाएंगे, तो आपका कोई भी जो भी एग्जिस्टिंग प्लेन होगा वो सेंटर पे ही आएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लेन लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। साथ में डायमेंशंस भी क्लियर रहती है हमारे पास, डायमेंशंस कितने लेनी है। सो ये मेरे पास एक स्केच आ गया। यहां से हम रिब क्रिएट करेंगे, और रिब कितनी है हमारे पास, 12 mm की रिब आ रही है। सो यहां से इसकी विड्थ डिफाइन कर देंगे, और फ्लिप मटेरियल साइड, ये मैं आपको पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूँ, और यहां से ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसकी अपीयरेंस हम चेंज कर देते हैं, बॉडी पे चले जाएंगे, बॉडी ये सारी हो जाएगी। और अगर आप एक्सट्रूड के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो सिंगल सिंगल एक्सट्रूड यहाँ पे अपीयरेंस चेंज होगी इसकी। तो यहाँ से कलर चूज कर लेंगे, और ये हमारे पास अपीयरेंस भी चेंज होगी। क्लियर है? सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज की वीडियो यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ड्राइंग के साथ। सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।